देवगिरी का किला जिसे सीधे युद्ध में कभी कोई नहीं जीत पाया, चाहे कुतुब, खिलजी, मुगल या ब्रिटिश हो, इसे जीता गया तो केवल अंदरूनी छल कपट और दगाबाजी से ही। संभाजी नगर से एलोरा गुफाओं के रास्ते पर दौलताबाद शहर के पास ही एक 600 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है देवगिरी का विशाल किला। ये है देवगिरी किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे महाकोट द्वार के नाम से जाना जाता है। महाकोट द्वार पर चढ़े ये लकड़ी के दरवाजे लगभग 900 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं, और इन दरवाजों पर लगी इन लोहे की कीलों से हाथियों के आक्रमण को रोका जाता था। इस द्वार से किले के अंदर आते ही अंदर का गलियारा पूरा घुमावदार बना हुआ है। अंदर आने वाले दुश्मन और हाथियों की चाल को धीमा करने के लिए इसे जानबूझकर अर्धचंद्राकार में बनाया गया है। आगे बढ़ते ही एक बड़े से बरामदे में मध्यकालीन कई सारी तोपें रखी हुई है। यहाँ रखी हुई हर तोप काल और बनावट में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हमें किले की दीवारों में कई सारे धसे हुए तोप के गोले दिखाई देंगे, जो शत्रु सेना द्वारा किले पर दागे गए थे। इन गोलों को निकालने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि निकालते वक्त इनका फटने का डर था। देवगिरी के किले में शत्रु सेना को चकमा देने के लिए कुल 52 डमी दरवाजे और प्रवेश द्वार बनाए हुए हैं। किले में प्रवेश करते ही सामने इस बरामदे में आपको एक डमी दरवाजा दिखाई देगा, जो कि दुश्मन सेना को चकमा देने के लिए बनाया गया था। दुश्मन सेना किले के अंदर आते ही इस नकली दरवाजे की तरफ आकर इसे तोड़ने की कोशिश करती थी, जो कि एक 70 फीट गहरी खाई की तरफ खुलता है। इस दरवाजे को तोड़ने में शत्रु को समय लग जाता था, और तब तक सेना मुख्य द्वार को बंद कर देती थी। ये है किले का दूसरा प्रवेश द्वार, जिसके 900 वर्ष पुराने लकड़ी के दरवाजे आज भी काफी अच्छी स्थिति में हैं। यहाँ से आगे दूसरे द्वार से किले में और अंदर आते ही आगे सीधा 90 डिग्री का घुमाव बना हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ बड़े बड़े बुरुज और दीवारें बनी हुई है। जैसे ही शत्रु सेना इस भाग में आती थी, बुरुज और दीवारों पर खड़े सैकड़ों सैनिक ऊपर से तीर और पत्थरों का भारी वर्षाव कर शत्रु का खात्मा कर देती थी। ये है देवगिरी किले का तीसरा प्रवेश द्वार, जो फिर से 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ है, जो शत्रु सेना की चाल को फिर से धीमा कर देता था। देवगिरी किले का निर्माण यादव राजा भीलम देव ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। आगे लगभग 200 वर्षों तक यादव राज के बाद खिलजी, तुगलक और फिर मुगलों ने देवगिरी पर राज किया। सन 1327 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का आदेश दिया था। इस तुगलकी फरमान की वजह से दिल्ली की लगभग सारी जनता और प्रशासन को देवगिरी लाया गया, लेकिन केवल 8 वर्षों बाद ही वो वापस दिल्ली लौट गया। ये है भारत माता मंदिर का परिसर। किसी समय में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बाजार लगता था, जहाँ देश विदेश से कई बड़े बड़े व्यापारी आकर यहाँ लाखों रुपये का व्यापार किया करते थे, और इसीलिए दौलताबाद को दौलतमंदों का शहर कहा जाता था। यह है चांद मीनार, 210 फीट ऊंची। कुतुब मीनार के बाद ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है, जिसका निर्माण सन 1435 में अलाउद्दीन बहावनी ने करवाया था। इस मीनार के नीचे बने महल को चांद महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आगे हम आ जाते हैं कालाकोट द्वार के पास, जिसे मृत्यु द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे किले की बनावट बहुत ही ज़्यादा जटिल हो जाती है। सामने दिखाई दे रहे इस महल का नाम है चीनी महल, क्योंकि इस महल के निर्माण में चीनी मिट्टी के टाइल्स का उपयोग किया गया था, इसलिए इसे चीनी महल के नाम से जाना जाता है। ये एक राजकीय जेल थी, जिसमें कई मराठा और मुगल राजाओं को कैद कर रखा गया था। यहाँ से आगे हम मुख्य किले की तरफ चलते हैं, जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मुख्य किले के चारों ओर 70 फीट चौड़ी और 80 फीट गहरी खाई बनी हुई है। इस खाई के पानी में बड़े बड़े मगरमच्छ और जहरीले सांप हुआ करते थे। इस गहरी खाई की वजह से शत्रु सेना का मुख्य किले तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इस खाई के आगे 30 मीटर ऊंची पहाड़ की प्राकृतिक चट्टान है, जिसके ऊपर ये किला बना हुआ है, और इस चट्टान को पार करना किसी भी दुश्मन सेना के लिए संभव नहीं था। इस गहरी खाई को पार करने का केवल एकमात्र रास्ता था, और वो था ये पुल।
आज इस खाई पर लोहे का पुल बना हुआ है, लेकिन पहले के समय यहाँ पर चमड़े का पुल हुआ करता था, जिसे शत्रु सेना आने पर खींच कर लपेट लिया जाता था और किले पर जाने का ये एकमात्र रास्ता बंद हो जाता था। आगे चलकर औरंगजेब ने अपनी सुविधा के लिए इस खाई पर पत्थर की सीढ़ियाँ बना दी थी। इन सीढ़ियों को आप इस ब्रिज के नीचे देख सकते हैं। और इतनी सारी मुश्किलें पार करके भी अगर शत्रु अंदर आ जाता तो भी वह जीत नहीं पाता, क्योंकि किले की असली सिर घुमा देने वाली भूल भुलैया तो अब शुरू होती है। देवगिरी किले की इस गजब की बनावट को देख हम सोच सकते हैं कि क्यों कोई दुश्मन सेना इस किले को सीधे तौर पर युद्ध में नहीं जीत पाई थी।